रामदेव राय ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना, कहा कहीं पर निगाहें कहीं पे निशाना। गिरिराज सिंह को काम करने का शैली नहीं पता, वाचाल है गिरिराज सिंह। आइए जरा सुनते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है, आप जानते हैं तू कितना वाचाल है। अब उनको ये संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, गंभीरता रखनी चाहिए। वो अब केवल MP नहीं है, वो केंद्रीय सरकार के एक मजबूत मंत्री है और सरकार केंद्र में भी उनकी है और बिहार में भी उनकी है। अगर रिलीफ नहीं चल रहा है तो दोष किसका है ये सिद्ध करें, दोष किसका है वो सिद्ध करें। अगर उनका दोष है तो त्याग पत्र दें, अगर बिहार सरकार का दोष है तो बिहार सरकार से अपना समर्थन वापस करें। और किसी को अब बीच सभा में मनोबल गिराइएगा, उसको अपमानित कीजिएगा तो जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। वो केवल बोल करके अपना बदास निकाले, चूंकि उनका फेल्योर है, बांध बांध घूम गए, नदी के किनारे से निकल गए, कहीं भी नाव पर चढ़ के अंदर नहीं जा सके। पशुपालन मंत्री हैं, भूसा मांगते हैं SDO से, और कहते हैं भूसा नहीं लोगे तो तेरे घर के सामने मैं धरना पर बैठूंगा। भला सुनिए, इस देश में चाहे जिसकी भी सरकार हो, कहीं केंद्रीय मंत्री एक SDO दरवाजे पर धरना देता है? उनके लिए वो तो प्रोटोकॉल में है, वो चाहेंगे चीफ सेक्रेटरी उनके पीछे चले, स्थानीय DM उनके साथ चलते, कोई नहीं के साथ में चले और भदास निकाल दें SDO पर। देख लो, समझ रहे हो कि मैं MP हूँ? कौन नहीं समझ रहा है कि आप MP हैं? सब समझ रहा है कि आप बरहिया बहुत बड़े मजबूत आदमी भी हैं, ये सब लोग समझ रहा है। तो आप अपनी मजबूती काम में दिखाइए। पशुपालन का चारा नहीं है, पशुपालन मंत्री आप हैं, रिजाइन कर दीजिए। गौ माता भूख मर रही है और आप गौ के पुजारी कहे जाते हैं, क्यों भूख मर रही है? आप क्यों नहीं रिजाइन देकर आए? या अपने साथ ट्रक पर पूरा भूसा खाद्यान्न सामग्री नहीं हुआ तो एक पैकेट सत्तू भी अगर आप लेकर आते तो हम लोग माला पर। प्रोटोकॉल है कि वो चलेंगे तो सारी सूचना पदाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय विधायक को भी देगी। हमको भी शौक था कि उनके गले में माला पहनावे, लेकिन वो माला लेकर नहीं, हम लोगों की जवान पर ताला लगाना चाहते हैं। ये संभव नहीं है, गाल बजा कर जाने से कोई फायदा नहीं है। वो जो भी किए वो शोभनीय है, वो मर्यादित है, क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं है वो। हम लोग तो छोटे आदमी हैं, किसी को गाली दे देंगे, किसी को देह झाड़ लेंगे, लेकिन वो कहाँ जाएंगे देह झाड़ करके? कि कहीं उनका निशाना कहीं और है, कहीं और है, क्योंकि वो बोल चुके हैं कि बेगूसराय के साथ सरकार सौतेलेपन का व्यवहार करती है, बेगूसराय के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करती है। तो रिजाइन क्यों करते हैं, क्यों नहीं वापस करते हैं? कि मनरेगा का पैसा अभी तक नहीं गया, प्रधानमंत्री योजना का पैसा नहीं आता है, शौचालय का पैसा नहीं आता है, कबीर अंत्येष्टि का पैसा नहीं आता है, किसका फेल्योर है? मनरेगा में 50 करोड़ घोटाला में पकड़ा हो, शौचालय घोटाला में वही SDO मेरे पत्र पर भगवानपुर प्रखंड के शौचालय घोटाला को पकड़ के 10 और 12 आदमी को पकड़ा है, जिस सब पर FIR हुआ, सभी जेल में जाने की तैयारी में। इसलिए मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ, हम लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं। जो शिष्टाचार है, चूंकि महादेव के भक्त हैं तो महादेव तो गरल पी किए थे, ये धैर्य तो नहीं रख सकते हैं क्या? इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम खुचिया वाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड, मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड, मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड, मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस, सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीफ, नेशनल मेडिकल कॉलेज, वीरगंज, नेपाल।
लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।